हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नहीं, वैसे आफ्टरनून का टाइम है, बट मॉर्निंग, चलो कोई नहीं, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग दोनों ही। और मैं अभी, कितना हो रहा है टाइम? 12:30 हो गए। हाँ, 12:30 हो गए हैं। मॉर्निंग का काम हो गया है। मुझे ना ये बेड सही करना था, ये और वो बाहर वाला दो बेड। मुझे कपड़े सही से रखने हैं लेकिन कर नहीं पाई मैं। आज कपड़े बहुत सारे थे, बच्चों के सूज भी थे, स्कूल ड्रेस भी थी, बहुत सारे कपड़े थे मतलब। और फिर हम देहरादून गए थे, वहाँ से आए थे तो वहाँ के कपड़े भी थे। और सोच रही थी अभी कि करूँगी मैं, बट लेकिन फिर ऐसे ही हो गया। और खाना, मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि हन्नू आता है स्कूल से तो उसे मतलब होता ही है, बच्चों को स्कूल से आते हैं तो भूख लगी रहती है। तो मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ, फिर हन्नू आ जाएगा तो देखती हूँ कि उसके बाद करती हूँ बेड वगैरह से, या फिर आरफ के आने के बाद ही जैसे भी होगा करूँगी। तो वो वाला बेड तो करूँगी, ये नहीं कर पाई अगर वो वाला तो करूँ, क्योंकि उसमें बच्चों के कपड़े हैं ना, और मुझे छांटने बच्चों के कपड़े थोड़ा मिस बहुत वैसे हो रहे हैं। वहाँ वो ठीक है लेकिन इसमें भी मैंने कुछ कपड़े रखे हुए तो ये सब मुझे छांटने हैं। मतलब वैसे सब सही है बट थोड़ा सा देखने हैं, मतलब होता है ना कि कौन से छोटे बड़े हो गए, ये सब करने हैं। तो बेड सही करने हैं दोनों, कपड़े सब धुल लिए हैं, बहुत सारे थे इसलिए पहले कपड़े धुल लिए, उसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगाया, फिर मतलब और काम किया। आज ये भी ऑफिस चले गए हैं, पर लेकिन ये है कि बिज़ी रही ना काम में तो पता नहीं चला। लेकिन अब जैसे अब इसके बाद कुछ काम, मतलब यही काम है तो फिर चलो देखते हैं किस समय आते हैं ये ऑफिस से। लेट गए तो लेट थे वैसे ये आज, क्योंकि अभी अभी गाड़ी वगैरह नहीं, बस से ही गए हैं, मैंने छोड़ दिया था इन्हें। तो हस्बैंड को भी छोड़ा आज, बच्चों को भी छोड़ा, अब बच्चों को लेने जाऊंगी। तो बस यही रूटीन चल रहा है। और मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर देते, तो सुबह से मैंने बस ऐसे ही व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो अभी मैंने दाल छौंक रखी है, मतलब उबलने वाली, चावल भी चढ़ा रखे हैं और टाइम भी 5 मिनट 10 मिनट है। तो देखती हूँ कैसे कैसे चावल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, क्योंकि आजकल अब ठंडा भी हो रहा है ना मौसम। तो चलो बाद में मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आ गई थी हन्नू को लेके, और मुझे ये बेड मैंने कहा था ना कपड़े सेट करने थे, तो बस अब कितने कपड़े सेट करते हैं। और ये स्वेटर जो मैं पहना रही हूँ ना, ये मैंने बुनी हुई है और आरब के लिए बुनी थी, और आरब जब छोटी होगी तो अब इसी साल से हन्नू पहन रहा है इसे, पिछले साल तो ये बहुत बड़ी थी हन्नू पे। तो बस यहाँ पर कपड़े सेट कर रही हूँ, जैसे जैकेट वगैरह ना छोटी हो गई है तो उन्हें देख रही हूँ कि किसी को दे दूँगी, क्योंकि फ़ायदा नहीं है कुछ रख के। और फिर हन्नू के लिए रखते हैं, हन्नू के लिए फिर नहीं आ जाती है, फिर उसके पास ज़्यादा हो जाती है, ऐसा होता है। क्योंकि फिर जब एक बच्चे के लिए लाओ ना तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे के लिए ना लाओ, तो ऐसे हो जाता है। वैसे अभी 1-2 साल से तो हमने लाई नहीं है, पिछले साल लाई थी आरब के लिए, आरब ने अभी वो पहनी भी नहीं है। तो बस, और वैसे जैकेट वगैरह ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है। फ़ायदा मतलब ये होता है कि जाते तो कम ही हैं, एक दो जैकेट ही काफ़ी होती हैं, कहीं जाते भी नहीं हैं और इधर उधर जाते हैं तभी पहनते हैं, तो बस यही हो जाता है। तो ये भी बच्चों के बाहर से मैं कपड़े ले आई थी, क्योंकि जो टी शर्ट वगैरह ना वो भी मैं इसके अंदर रख रही थी, क्योंकि आजकल सिर्फ वो इनर पहनते हैं, उसके बाहर स्वेटर पहन लेते हैं काफ़ी होता है। और बीच अब फिर इसके बाद मतलब जब थोड़ा ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो अंदर से हाईनेक पहनने लग जाएंगे। तो वैसे पहले टी शर्ट भी पहनते थे, अगर जब छोटे थे तो बहुत केयर करते थे, बहुत कपड़े पहनाते थे। अब थोड़ा बड़े हो गए हैं तो अब इतना नहीं है, क्योंकि अब खुद भी इन्हें पता है कि हमें ठंडा लग रहा है, ये लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने बेड सही कर दिया है, और ये ड्रेसिंग ना यहाँ से हटाऊँगी, और ये सीधे नेक्स्ट दिन का है। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उसके बाद मैंने बस मतलब सब काम हो ही गया था, फिर वही था दिन का काम था। दिन में मैं आजकल सोने लगी हूँ तो कुछ व्लॉग भी नहीं बनता है। तो ये नेक्स्ट डे का, यहाँ पे हन्नू के पापा आरफ सब स्कूल चले गए हैं, और मैं आ गई हूँ अपनी सफाई करने। अंदर का रूम तो क्लीन है, क्योंकि आजकल ना हम यहीं बाहर वाले रूम में सोते हैं, अंदर नहीं सोते हैं, तो इस वजह से तो अंदर वाला रूम तो रात को ही क्लीन करके सो जाती हूँ मैं। और यहाँ पे फिर मतलब ये रूम के लिए वो बिस्तर वगैरह झाड़ रही हूँ, और किचन की क्लीनिंग मेरी हो गई है, सुबह ही हो गई थी। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा के बाहर, अंदर से बाहर आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और देख रहे होंगे आप, मुझे ना मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है आजकल। मतलब कल मैंने नहीं खाई प्लेन किलर, वो भी मैंने जब मतलब ऐसे ही नहीं खाई, नहीं तो मेरा कल भी ज़रूरत थी। तो रोज़ आजकल सर दर्द की दवाई खा रही हूँ। तो कल मैंने फिर, तो मुझे ना ये स्काफ, मतलब जो ये ठंड चलती है ना आजकल हवा, बहुत दिक्कत होती है मेरे सर में, और मुझे कहीं नहीं लगती सर में, मतलब ढका हुआ ज़रूर होना चाहिए। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर कल मैंने जो कपड़े धुले थे, आजकल ना बच्चों के अब एग्ज़ाम होने वाले तो उन्हें तैयारी करा रही हूँ, और बोल रही हूँ शाम तक ना मेरे सर दर्द भी हो जाता है, तो फिर
ये कपड़े वगैरह तह नहीं लगाए थे, और बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि देहरादून भी गए थे, और तो वो सब कपड़े थे, तो कपड़े मैंने रख दिए अंदर, उन्हें बाद में तह मारूंगी, पहले मैं पोछा लग, पहले मैं मतलब मॉर्निंग का सारा काम वो मतलब निपटा देती हूँ, उसके बाद और काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह लग गया है, और अब मैं मिलती हूँ आपको सामने और दिखाती हूँ आपको गिफ्ट्स अपने। सो फ्रेंड, मॉर्निंग का सारा काम हो गया, और कल से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था लेकिन मैंने एंड ही नहीं किया। कल ऐसे ही, कल आज मेरा कोई भी व्लॉग नहीं गया, बस ऐसे ही, थोड़ा तबीयत भी थोड़ा ऐसी ढीली ढीली सी लग रही है, और दो दिन से बहुत काम हो रहा है। बेड भी क्लीन करने हैं, जैसे ब्लड भी मतलब तीनों बेड मैंने क्लीन किए, वही कपड़े वगैरह अरेंज किए, और कपड़े भी कल भी बहुत थे, आज भी बहुत थे धुलने के लिए। तो अभी फ़िलहाल सारा काम हो गया है, 12 बज रहे हैं, चावल भी मैंने चढ़ा दिया, और अभी सोचूँ यार मैंने बहुत जल्दी चढ़ा दिए, स्कूल से आने के बाद चढ़ाने थे ना, क्योंकि फिर बाद तक, वैसे आज तो जल्दी आ जाएंगे ये, क्योंकि अभी थोड़ा तबीयत इनकी डाउन ही है ना, तो जल्दी आ जाएंगे, 3 बजे तक आ जाएंगे, और अभी 12 बज रहे हैं, 12:30, 2-3 घंटे तो हो ही जाएंगे। चलो अब से ऐसे करूँगी कि आके हन्नू को लेके तब चढ़ाऊँगी। मुझे ये लगता है ना कि बच्चे स्कूल से आते तो कभी हन्नू बोल देता है मामा भूख लग रही है खाना, तो मुझे ये तब तैयार होना चाहिए खाना ना, इस वजह से। तो कल से व्लॉग स्टार्ट किया था, और मैंने आँखें कितनी बिना काजल के अजीब सी लग रही, तो मैंने आपको दिखाया नहीं कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई व्लॉग ऐसे बनाया ही नहीं, कल से स्टार्ट किया था तो ऐसे ही हो गया था, 2 दिन का तो वही व्लॉग हो गया था। और 2-3 दिन से मैंने फिर देहरादून चले गए थे, हम फिर वहीं का व्लॉग बना, तो चलो दिखाते। एक तो ये कुंडल तो मैंने आपको बताए थे कि ये थे, इन्होंने दिए थे, और इन्होंने एक कुर्ती का कपड़ा दिया है, गरम कुर्ती का कपड़ा, ये सेल्फ प्रिंट है, इसमें ना फोकस नहीं कर रहा, नहीं दिखेगा, सेल्फ प्रिंट डिज़ाइन है, बहुत मतलब अच्छा है। और एक ये दिया है हेयर ड्रायर, मतलब दिया क्या है, मैंने ही बोला था कि मैंने कहा था कि कुछ भी चीज़ लेके मत आना आप, मैं अपनी पसंद से लूँ, पसंद से मतलब मुझे जिसकी ज़रूरत थी मैंने वही लिया, और ये लिया है हेयर ड्रायर, क्योंकि मेरे ना 2 थे मेरे पास, दोनों ही ख़राब हो गए थे, और इन्होंने दिए भी थे फिर ये वापस ही नहीं लाए, दुकान में बनाने भी दिए थे वापस ही नहीं लाए, वापस लाए मतलब उन्होंने कहा था हो भी सकते सही नहीं भी हो सकते, क्योंकि नहीं होते ये चीज़ें, तो इस बार मैंने फ़िलिप्स का लिया है, वो पता नहीं कहीं के थे, उस समय नॉलेज भी नहीं था, बहुत पहले के थे ना वो, तो ये फ़िलिप्स का है, उल्टा दिख रहा होगा इसमें ना, तो फ़िलिप्स का हेयर ड्रायर है, और कुर्ती है, और ईयर रिंग्स है, तो ये है। और दीदी ने मुझे भी एक कुर्ती का कपड़ा दिया है, वो ना मैं इस पर फ़ोटो लगा दूँगी, वीडियो बना रखा है मैंने, इसमें लगा दूँगी मैं वीडियो, तो वो मैंने सिलने दे दिया है, ये नहीं दिया मैंने अभी, एक साथ नहीं दिया, या फिर इसको भी दे दूँगी, देखती हूँ जैसा भी है। तो ये है मेरा गिफ्ट, और तो इसी के साथ मैं वीडियो का भी ऐड करती हूँ, कल फ्रेश वीडियो के साथ, ये भी फ्रेश है वैसे कल, और लेकिन कल और आज का हो गया, और लेकिन आज मैंने बहुत सारा व्लॉग बना रखा है, सुबह से मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन तो आधा इसमें डाल दूँगी, आधा कल के व्लॉग में डाल दूँगी। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।